सावधान, कहीं आपके गली मोहल्ले में फेरी लगाकर गैस चूल्हा कुकर आदि ठीक करने वाला तो नहीं घूम रहा है। अगर घूम रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि रायगढ़ पुलिस ने ऐसे ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बीते दिनों सिंधी कॉलोनी कच्ची खोली निवासी अशोक पंजाबी के घर धावा बोलते हुए लगभग 80,000 नगद व घरेलू सामान मोबाइल सेट चुरा ले गए थे। गली गली फेरी लगाकर गैस चूल्हा व कुकर ठीक करने का काम करने वाले 3 आरोपियों को चक्रधर नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों ही आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं और एक ही गांव के हैं। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। दरअसल बीते दिनों सिंधी कॉलोनी कच्ची खोली निवासी अशोक पंजाबी ने चक्रधर नगर थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी कि बीते रविवार को वह जब काम पर गया था, इसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर में धावा बोलकर लगभग 80,000 रुपए नगद व घरेलू सामान व मोबाइल सेट चुरा ले गए हैं, जिस पर चोरी का मामला दर्ज कर पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया और जल्द ही अच्छी खबर मिली कि कुछ फेरी वालों का कॉलोनी में ज्यादा आना जाना हो रहा है, जिन्हें संदेह के आधार पर पकड़कर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल लिया और उनके निशानदेही पर चोरी की गई रकम व मोबाइल सेट बरामद कर ली गई और अब पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पुलिस के इस कार्यवाही में थाना प्रभारी विवेक पाटले, प्रधान आरक्षक लोमेश राजपूत, आरक्षक सुशील सिंह, रवि सिंह सहित पूरे स्टाफ का विशेष योगदान रहा है। बताना चाहेंगे कि जिले में अंत प्रांतों के लोग आकर फेरी लगाकर विभिन्न तरह के व्यवसाय करते हैं। ऐसे में जिन मकान मालिकों ने इन्हें किराए में कमरा दिया होता है, वो किराएदारों की कोई जानकारी पुलिस को नहीं देते हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने जिले वासियों से यह अपील की है कि जिन लोगों ने भी किराएदार रखे हैं, वे इनकी जानकारी अवश्य रूप से संबंधित थानों में दर्ज करवाएं। यदि कोई किराएदार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो ऐसे में मकान मालिक पर भी संदेह होता है। अपराध पर लगाम लगाना और आरोपियों को सजा दिलाना तो पुलिस का काम है, परंतु यदि जनता जागरूक रहे और बाहर से आने वाले लोगों की मुसाफिरी दर्ज कराई जाए तो निश्चित रूप से असामाजिक गतिविधियों में लिप्त व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को आसानी से चिन्हांकित किया जा सकेगा। कई बार इस तरह के अपराधी अन्य जिलों से भी कोई अपराध कर पुलिस के डर से छिप कर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति की पहचान मुश्किल होती है। जी फिटौड़ कहाँ, उत्तर प्रदेश, एमपी, यूपी? यूपी जी। कब से आये रायगढ़ में? सर हम हो गए 15-16 दिन हो गया। कहाँ आके रुके हो रायगढ़ में? जी इसमें चांदनी चौक में सर, किराए का मकान पर रहते हैं। यहाँ मुसाफरी दर्ज कराए हो जब रायगढ़ आए हो तो आप लोग? करवाने कह रहे थे सर मकान मालिक से, उन्होंने बोल दिया था कि बाद में करवा देंगे, आप टेंशन मत लो, हमारा माल देखते हैं, चूड़ा वूला कपड़ा वपड़ा रखा हमारा कंपनी में बहुत सारा। कितने लोग आए हो आप लोग? हमें सर फिलहाल तो अब हम 5 जने हैं सर यहाँ पर। अभी कितने लोग हैं? अब हम 5 ही हैं सर, अभी लड़का आई नहीं है और भी आएंगे अभी फेरी वाले। फेरी के बहाने ये सब काम करते हो? नहीं सर, हमने कोई गलत काम नहीं करा बाबू जी। कल चक्रधर नगर थाने में एक घटना घटी थी जिसकी रिपोर्ट हुई थी, उसके बाद उसमें 3 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। ये लोग ऐसे थे जो गैस चूल्हा के बहाने ये लोग काम करने के आते थे। कई बार अन्य घटनाएं भी घटी है जिसमें चादर वादर बेचने के, इस तरह लोग जो कहीं किसी जगह किराए पर रुकते हैं और ऐसी जगहों पर घूमते रहते हैं। उन्होंने, ये 3 लोगों ने एक घटना को अंजाम दिया है। तीनों को गिरफ्तार किया गया है, एक घर में ये लोग घुस करके चोरी किए हुए थे। लोगों से ये एक अपील रहती है कि जितने कहीं भी अगर आप किसी को किराए पर रख रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति कहीं का भी हो, उसकी सूचना ज़रूर उसकी मुसाफिरी संबंधित थाने में दर्ज करानी चाहिए, ताकि कोई भी घटना हो तो उसको, उन व्यक्तियों को खंगाला जा सके। ज़िले में अगर देखें आप तो कई सारे जगहों पर ऐसे बहुत सारे लोग रह रहे हैं जिनके थाने में कोई सूचना नहीं दी गई है। विशेषकर जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे इम्प्लाइज ठेकेदारों ने ला के रखे हैं जिनकी सूचना नहीं दी गई है। कुछ समय पहले हम लोगों ने एक मुहिम भी चलाई है जिसमें सभी से ये जानकारी मांगी गई है कि जो भी उनके अंदर इम्प्लाई रहते हैं या लोग अपने घर पे जो किराएदार रखते हैं, उनकी जानकारी संबंधित थानों को जरूर दर्ज कराएं। अगर तो मकान मालिक नहीं करवाते हैं संबंधित थानों में दर्ज, और उनके ऊपर भी कार्रवाई के नियम है? अगर कहीं भी किसी भी घटना में ऐसा पाया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है किराएदार रखा हुआ है और उसकी सूचना उसने किसी थाने को नहीं दी गई है और व्यक्ति जो है अपराध में शामिल पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो मकान मालिक है वो भी संदेह के घेरे में आता है कि उसकी संलिप्तता तो नहीं है। और कई बार इन चीज़ों से, अनचाहे चीज़ों से बचा भी जा सकता है अगर आप समय पे सभी लोग जो है इन किराएदारों की सूची पुलिस को उपलब्ध कराएं, नहीं तो वो लोग भी इसमें संदेह के घेरे में आएंगे और उनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में फंसना पड़ सकता है।
रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24। चंद्र